नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के आंदोलन पर बयान देते हुए कहा कि किसान हमारे अपने भाई हैं। विपक्ष ने किसानों को उकसाने का काम किया है। इतना ही नहीं, खट्टर ने सरकार के साथ हुए समझौते पर किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को समाधान निकाला जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि हमने हरियाणा में 6 साल में सबसे ज्यादा काम किया है, शायद ही किसी और प्रदेश में इतना काम किया होगा। कड़कती ठंड, और उस कड़कती ठंड में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया। किसान हमारे अपने भाई हैं, लेकिन अब कोई बात की नासमझी के कारण से लोगों ने जिस प्रकार से उनको बहका दिया या पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो हित साधने के लिए उनको उकसाया, जिसमें से वो आंदोलन हो गया है। अब आंदोलन का रास्ता निकाल रहे हैं हमारे केंद्र सरकार और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं सब किसानों को भी और सभी केंद्र सरकार को भी, इस नाते से जो रास्ता निकालने के लिए एक वातावरण अच्छा बना है, माहौल ठीक बना है। तो उसमें कुछ बातें कल की बातचीत में, वार्ता में मान ली गई हैं और कुछ आगे 4 जनवरी को फिर से एक जो मीटिंग होने जा रही है, तो शेष विषयों पर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी खत्म होगा। इस ठंड के समय में एक सकारात्मक दिशा में काम आगे बढ़े, ताकि किसान जो परेशान हो रहे हैं, खास करके उसमें बुजुर्ग जो किसान हैं, उनको तकलीफ ज़्यादा ना उठानी पड़े, तो ये जल्दी से समाधान हो सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं ऐसा कई बार चर्चा करता हूँ अपने बंधुओं से, हरियाणा में किसानों के लिए जितना हमने किया है पिछले 6 साल में, शायद ही किसी प्रदेश ने किया होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँगा तो प्रोक्योरमेंट, बढ़िया से बढ़िया प्रोक्योरमेंट ये हमारी हुई है, और उस प्रोक्योरमेंट में कभी कोई कमी नहीं रखी है। हमारी भावांतर भरपाई योजना, इसमें भी हमने 16 सब्जियों के ऊपर ये भावांतर भरपाई योजना दी है, ताकि किसी को लागत से कम। वहीं हरियाणा में निकाय चुनावों के परिणाम बुधवार को सामने आए। अंबाला निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त हुई है। अंबाला में 20 पार्षद पदों पर भी सिर्फ 8 पर ही बीजेपी जीत पाई, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेस वार्ता करते हुए अपनी हार का कारण बताया। प्रेस वार्ता में विधायक असीम गोयल और बीजेपी के मेयर पद की प्रत्याशी के पति, तो साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता संजय शर्मा मौजूद रहे। हालांकि बीजेपी ने हार के पीछे की जो मुख्य वजह बताई, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी का मानना है कि 25, 26 और 27 दिसंबर की छुट्टी की वजह से सिर्फ बीजेपी का ही वोट बैंक था जो घूम गया। वहीं बीजेपी विधायक ने किसान आंदोलन और बीजेपी के खिलाफ एकजुट विपक्ष को हार का जिम्मेदार माना। जब सरकार अच्छी दिशा में काम करती है कई बार, तो विपक्ष एकजुट होकर, पूरी फोर्सेस एकजुट होकर सरकार को आगे बढ़ने से रोकते हैं, और हरियाणा के अंदर यही हो रहा है। उन सबका अपना एजेंडा कुछ नहीं है, उन सबका एजेंडा केवल भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। और ये 19 के चुनावों में मैंने भी अपने चुनावों में महसूस किया कि मेरे सामने निर्दलीय साथी थे, लेकिन वो सर्वदलीय हो गए थे और निर्दलीय मैं रह गया था, क्योंकि सारी फोर्सेस, और आजकल ये पूरा प्रदेश में ट्रेंड चल रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकता है, उस झंडे के नीचे सारे साथी इकट्ठे हो जाएं, आपस में बाद में निपटेंगे। लेकिन और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण आत्रे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद लोकेश। प्रवीण जी, अपने ही गढ़ में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जो है, उसे हार का सामना करना पड़ा है। क्या लगता है, लोकल चुनावों पर किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं असर जो है वो दिखाई दिया है? देखिए लोकेश, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी सुन रहा था जब आप कह रहे थे कि निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की करारी शिकस्त, इसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। 3 निगमों के अंदर चुनाव होते हैं, 1 निगम में भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना जाता है, सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 50,000 से ज्यादा मत प्राप्त, लेकिन सोनीपत और अंबाला की मेयर की जो सीट है उससे तो हाथ धोना पड़ा ना सर। लोकेश जी रखिए अपनी बात। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 36% मत प्राप्त किया था, सोनीपत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 47% मत प्राप्त करता है,
36% से बढ़ के हम 47% चले जाते हैं, तो इसको हम करारी शिकस्त ना कहें। देखिए हार हुई है, इस बात से हम इनकार नहीं करते कि मेयर के चुनाव में सोनीपत में हमारा मेयर नहीं चुना गया, अंबाला में हमारा मेयर नहीं चुना गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत विधानसभा चुनाव के मुकाबले बढ़ जाता है तो ये कहीं ना कहीं इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, लेकिन राज्य के जो चुनाव है उसमें अगले साल ही इस तरह की हार का सामना करना, क्या मानते हैं इसे आप? देखिए ऐसा होता है कि किसी चुनाव के अंदर हार के कई कारण होते हैं, स्थानीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, कई बार सामाजिक समीकरण जो है वो भी भूमिका निभाते हैं, तो कोई एक कारण कभी नहीं होता किसी चुनाव के नतीजे का। मैं केवल इतना कह रहा हूं कि भारतीय जनता 60 मैं काउंसलरों का चुनाव होना था 3 निगमों में, जिसमें से 36 काउंसलर भारतीय जनता पार्टी के जीत के आते हैं, तो आप उससे भी इस चीज का विश्लेषण करें कि भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर भी ज्यादा जीतते हैं दूसरी पार्टियों के मुकाबले और भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत भी बढ़ जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार की नीतियों का समर्थन तो जनता ने किया है, ठीक है, लेकिन सामाजिक समीकरण, स्थानीय समीकरण कुछ हो ऐसा हो सकता है कि जिस तरह का नतीजे की हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह का नतीजा हमें नहीं मिला, ठीक है। कहीं ना कहीं अनिल विज के इलाके में भी भारतीय जनता पार्टी को यहां पर झटका तो मिला है। प्रवीण जी, हम चाहते हैं लगातार आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि यहां पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 0114545445 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में निकाय चुनाव के परिणाम जो हैं वो सामने आ चुके हैं और इस मुद्दे पर लगातार हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवीण जी जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, अंबाला में 20 पार्षद पदों पर भी सिर्फ 8 पर ही भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जिसके बाद जिस तरह से बीजेपी ने प्रेस वार्ता की अपनी हार का कारण बताया, इस प्रेस वार्ता में विधायक असीम गोयल और बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी के पति, तो साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता है संजय शर्मा, ये भी मौजूद रहे। बीजेपी ने हार के पीछे की जो मुख्य वजह बताई उस पर कहीं ना कहीं यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। बीजेपी का मानना है कि 25, 26 और 27 दिसंबर की छुट्टी की वजह से बीजेपी का जो वोट बैंक था वो कहीं ना कहीं सामने नहीं आ पाया। आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में तो अंबाला में कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, क्या वजह रही जो सारे समीकरण जो है वो उल्टे हो गए? पहली बात तो ये है कि जो आपने कहा कि अंबाला में तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर मानी जा रही थी, तो कांग्रेस की स्थिति क्या हुई? कांग्रेस तो तीसरे नंबर पे चली गई, और जो कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर चली गई, लेकिन बाजी जो है वो तो हरियाणा जनचेतना पार्टी ने मार ली ना। सुन लीजिए, हाँ नहीं बिल्कुल लोकेश जी सुनिए, जो बात
कि लॉन्ग वीकेंड होने की वजह से आप भी जानते हैं अर्बन लोकेलिटी के अंदर अक्सर लोग छुट्टी के लिए लॉन्ग वीकेंड का थोड़ा सा फायदा घूमने फिरने के लिए या अपने कुछ कामों के लिए उस समय का उपयोग करने की कोशिश में रहते हैं। तो एक फैक्टर ये भी है, इसको अच्छा। हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले कहा कि चुनाव के अंदर नतीजों के लिए कई तरह के फैक्टर होते हैं जिनका प्रभाव पड़ता है, उसमें से एक फैक्टर ये है, इसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए जब आप विश्लेषण करते हैं। क्योंकि जब मतदान का प्रतिशत अगर कम होता है तो स्वाभाविक है लॉन्ग वीकेंड की वजह से लोग बाहर निकल गए, मतदान में भाग नहीं लिया, तो इसको आप कैसे इग्नोर करेंगे, आपको इसको कंसीडर। लेकिन अंबाला में अनिल विज का कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव माना जाता है और उनके प्रभाव की वजह से बीजेपी का जो मेयर पद पर जो कब्जा है वो आसानी से हो सकता था, सारे दाम जो है वो उल्टे पड़ गए। देखिए वैसा है, तो आप भी जानते हैं कि विज साहब स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से हॉस्पिटलाइज थे, वो इस चुनाव में कहीं नहीं थे क्योंकि वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं था, कोरोना पॉजिटिव आया था, इस वजह से वो हॉस्पिटल में थे। तो कहीं ना कहीं इस बात को भी हम कंसीडर करेंगे, इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं पहले भी कह चुका हूं कि कारण बहुत से हैं, सभी कारणों का विश्लेषण पार्टी की तरफ से किया जाता है और जब पार्टी का विश्लेषण निकल के सामने आएगा, अगर कहीं कोई कमी रही है तो उसके ऊपर पार्टी काम करेगी, उस कमी को दूर करेगी। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि अंबाला में भारतीय जनता पार्टी के 9 पार्षद चुन के आते हैं तो आप दूसरी पार्टियों के साथ तो तुलना करेंगे, दूसरी पार्टियों से हमारे पार्षद ज्यादा चुन के आए हैं, ये भी आपको मानना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद संख्या में ज्यादा चुन के आते हैं, ठीक है, मेयर चुनाव हमारे के नतीजे हमारे पक्ष में नहीं है, तो क्या आप इस बात का अपने विश्लेषण में जिक्र नहीं करेंगे कि ज्यादा पार्षद जीते हैं तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता ने मतदान किया। ठीक है प्रवीण आत्रे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए। तो नव वर्ष के आगाज के ठीक पहले नगर निकायों के चुनाव परिणाम ने तमाम जो पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां जो है, उनको सबक देते हुए ये भी प्रदेश भर में जश्न मनाने का मौका जो है वो नहीं दिया है। और बीजेपी ने इस पर प्रेस वार्ता भी की है, किसान आंदोलन और छुट्टियों को हार का कारण जो है वो बताया जा रहा है। अंबाला से बीजेपी की वंदना शर्मा को हार का सामना करना पड़ा है। और आपको बता दें इसी के साथ में जो तमाम जीत के दावेदार हैं वो यहां पर जश्न मनाते भी नजर आ रहे हैं। पंचकुला से जीते बीजेपी पार्षद और मेयर कुलभूषण गोयल जीत के बाद मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला के प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु की मौजूदगी में मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इस जीत के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को धन्यवाद कहा। हरियाणा नगर निकाय चुनाव में जनता ने अपना फरमान सुना दिया है। नगर निगम की 3 सीटों में से 1 पंचकुला सीट बीजेपी के खाते में गई, जबकि सोनीपत में कांग्रेस और अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने जीत हासिल की। पंचकुला में मेयर पद पर बीजेपी के कुलभूषण गोयल, सोनीपत में कांग्रेस के निखिल मदान और अंबाला से सभी दलों को पीछे छोड़ते हुए हरियाणा जनशक्ति पार्टी की शक्ति रानी शर्मा ने जीत को हासिल किया। शक्ति रानी शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। रेवाड़ी नगर परिषद चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चेयरपर्सन पद का चुनाव सिंबल लड़ा था। यहां पर बीजेपी की पूजा यादव ने जीत दर्ज की। यहां बीजेपी वार्ड में सिंबल पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस वार्ड में सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी थी। इसके अलावा दारूहेड़ा, उखलाना और सांपला नगर पालिकाओं में निर्दलियों का कब्जा रहा। दारूहेड़ा में कंवर सिंह, सांपला में पूजा और उखलाना में सुशील साहूवाला ने नगर पालिका की चेयरमैनी पर कब्जा किया। सांपला में बीजेपी ने सिंबल पर चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था, अन्य किसी दल ने नहीं। इसी तरह से उखलाना और दारूहेड़ा में जननायक जनता पार्टी ने सिंबल पर चेयरमैनी का चुनाव लड़ा था, लेकिन शिकस्त हासिल की। सात साल के बाद अंबाला में हुए नगर निगम चुनावों में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा 8,084 वोट से जीतकर पहली महिला मेयर बन गई। शक्ति रानी ने भारतीय जनता पार्टी की वंदना शर्मा को हराया। शक्ति रानी को कुल 37,604 वोट मिले। इसके अलावा हरियाणा जनचेतना पार्टी के साथ कांग्रेस के 3 और हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के 2 पार्षद जीते। आपको बता दें केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद अंबाला में बीजेपी की शहरी सरकार नहीं बन सकी। इसका मुख्य कारण पार्टी में भीतरघात तो रहा ही, तो साथ ही किसान आंदोलन भी हार का कारण बना। जहां भी बीजेपी के दिग्गज गए, किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया।
अंबाला नगर निगम में हाल ही में 12 गांव निगम में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, 9 गांव इसके पहले शामिल किए गए थे। इन सभी गांव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के मेयर पद के प्रत्याशी शहर से नहीं जुड़ी हुई थी। डॉक्टर वंदना शर्मा गांव नन्योला की रहने वाली हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने शहर में चुनाव लड़ाने के लिए आखिरी समय में मैदान में उतार दिया। उनका वोट भी चुनाव से कुछ दिन पहले नगर निगम क्षेत्र में बनवाया गया। अंबाला नगर निगम में जनता भ्रष्टाचार, कूड़ा नहीं उठने और एनओसी नहीं मिलने से बेहद ही परेशान थी। ऐसे में जनता ने निगम चुनाव में बीजेपी के खिलाफ वोट करते हुए अपना रोष जताया। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तमाम दर्शकों को बता दें, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो है वो हिंसक होता हुआ नजर आया है। पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया है। शाहजहांपुर में किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी है। हिंसक झड़प में किसान आंदोलन जो है वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों को बता दें, शाहजहांपुर में किसान आंदोलन जो है वो लगातार जारी है। और इसी बीच खबर मिल पा रही है कि हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसान आंदोलन जो है वो हिंसक होता हुआ नजर आया है। शाहजहांपुर में किसान आंदोलन लगातार जारी है और इस वक्त की जो बड़ी खबर मिल पा रही है, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर किसान आंदोलन हिंसक हो चुका है। राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पर जिले के शाहजहांपुर में किसान आंदोलन लगातार जारी है और आज हिंसक झड़प में यह तब्दील हो गया। किसान आंदोलन में शामिल श्री गंगानगर से आए युवाओं ने हरियाणा पुलिस की ओर से बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया और जबरदस्ती सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हरियाणा सीमा में लेकर चले गए। इससे हरियाणा पुलिस प्रशासन और किसान आंदोलनकारियों में झड़प की खबर सामने आ पा रही है। इसके बाद हरियाणा की पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे कई किसान घायल हो गए। पुलिस ने करीब 3 दर्जन से ज्यादा किसानों को हिरासत में भी ले लिया है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में आज के लिए बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़।